बहन जी, बहन जी। अरे समधन जी, आप आइए। कैसी हैं आप माँ जी? ठीक हूँ। दुर्गा कहाँ है? अंदर सो रही है, जाइए आप। दुर्गा, अचानक से क्या हुआ तुम्हें बेटा? ठीक नहीं है तो लेट जाओ तुम। चिंता करने की कोई बात नहीं है, अचानक से चक्कर आ गया था माँ, डॉक्टर के पास लेकर गए थे, सारे टेस्ट भी करवा लिए, रिपोर्ट्स 2 दिन में आ ही जाएंगी। तुम्हारी बेटी कहाँ है, स्कूल गई है क्या? हाँ माँ। देखो दुर्गा, तुम यहाँ रहोगी तो बिल्कुल रेस्ट नहीं कर पाओगी, तुम घर आओ, गणेश उसको स्कूल से लाएगा। नहीं माँ, मैं नहीं आऊंगी। क्यों, तुम्हारे घर वाले ने कुछ कहा क्या? लक्ष्मी, इसकी सेना हमेशा उसके बेटे को भड़काती रहती है, इसी बात से परेशान होकर दुर्गा का ये हाल हुआ है। हमारे सामने हमें जताने के लिए बहुत अच्छा बर्ताव करती है वो, और हमारे जाते ही वो अपना असली रूप दिखाती है। ये बार बार मायके आ जाती है, इसलिए घर वाले बिगड़ते होंगे इस पर। हमारे घर नहीं आएगी तो और कहाँ जाएगी? इसकी सास दिखने में बहुत बेचारी लगती है, लेकिन असलियत कुछ और है। मैं अंदर आ सकता हूँ माँ? क्या दामाद जी, आप भी अपने घर में आने के लिए अनुमति मांग रहे हैं? आप दोनों अंदर थे तो मुझे लगा कि जरूर मेरी माँ की बात कर रही होंगी, इसलिए आपसे अनुमति मांगी। दुर्गा तुम जाओ। कहाँ? अपने घर जाओगी तो तुम्हारी माँ देखभाल करेगी, तुम भी खुश रहोगी, जाओ। हम उसे लेने नहीं आए थे। आपकी माँ बहुत अच्छी है, उसका अच्छा ख्याल रखती है, पर उनसे भी नहीं होता होगा ना, उनको तकलीफ ना हो इसलिए। रहने दीजिए, मेरी माँ तो बस दिखावा कर रही है, आपके जाते ही वो अपना असली रूप दिखाएगी, कितने दिन अपने सास का अत्याचार सहेगी? दुर्गा आप ले जाइए इसे, लेकिन एक बात याद रखिएगा, बहुत ही जल्दी आपके घर एक बहू आने वाली है, वो भी खानदानी लड़की है, अभी दुर्गा वहाँ आ सकती है, पर उसके आने के बाद देखना कि कैसे वो पांचों बहनों को मार मार कर भगाती है घर से। आप कुछ ज्यादा ही बोल रहे हैं। क्या ज्यादा बोल रहा हूँ? क्या ज्यादा बोल रहा हूँ? तुम्हारी सारी बहनों को अपनी सासू माँ से तकलीफ है, आने वाली बहू भी तुम्हारी माँ को तकलीफ देगी, इसका मतलब ये हुआ कि आप सब अच्छे हो और बाकी लोग खराब हैं, ये सही है ना? दामाद जी आप गलत समझ रहे हैं। देखो सासू माँ, बेटी से मिलना, उसे घर ले जाना गलत बात नहीं है, बल्कि आपका हक है, हर घर की बात है, इसे जो करना है वो मेरी माँ करती है। ए, तुम अपने मंगल सूत्र पे हाथ रख के बोलो, मेरी माँ कुछ काम नहीं करती है क्या? आप चाहो तो अपनी बेटी को अपने साथ ले जाओ, लेकिन बिना वजह मेरी माँ पर आरोप मत लगाओ। और सुनो, तुम्हारी माँ और बहन मेरे माँ के बारे में अनाप शनाप बोल रहे हैं, तो तुम चुप कैसे रह सकती हो? तुम बोल नहीं सकती थी कि घर का सारा काम मेरी सास करती है? क्या तुम गूंगी हो गई? किशोर ये क्या कर रहा है, मेहमानों के सामने दुर्गा पर मत चिल्लाओ बेटा। आप चुप रहो माँ, हम ऐसी बातें करेंगे तो उसे भी नाटक कहेंगे। देखो दुर्गा, अगर मन में शिकायतें हो, उसमें सच्चाई हो, तो अपनी माँ को बताने में हर्ज नहीं है, उसके बावजूद तुम्हारी माँ को तुम्हें अच्छा उपदेश देना चाहिए, लेकिन नहीं, तुम्हें ये रास्ता नहीं मिलेगा। मेरी माँ तुमसे काम करवाएगी, जब देखो मेरी माँ की बुराई कर करके अब तुम्हारे घर वाले भी मेरी माँ से नफरत करते हैं। ठीक है मेरी माँ बुरी है, मैं भी उनका बेटा हूँ, मैं भी उनसे बेकार रहूंगा। मेरे साथ तुम्हें देखकर तुम्हारे घर वाले दुखी हो जाते हैं, तुम जाओ उनके साथ, क्यों बोलती बंद हो गई तुम्हारी, जाओ भाई जाओ। उसने हमसे कुछ भी नहीं कहा। प्लीज आप कुछ मत बोलो, आप उस मतलबी इंसान की बीवी हो, आप तो कुछ मत बोलो। दुर्गा तुम तैयार हो जाओ, चाहो तो मैं तुम्हें छोड़ के आता हूँ। माँ तुम्हारी निंदा करने वाले लोगों के लिए स्ट्रॉन्ग कॉफी लेके आओ, तुम्हारी निंदा करने के लिए और जोश आने दो। किशोर ये सब क्या है, जरा रुकिए, मैंने कब कहा मुझे घर जाना है, इन्होंने ही मेरी माँ को बुलाया, मैंने नहीं कहा था इनसे बुलाने के लिए। माँ अब तुम घर जाओ। माँ दामाद जी, जब दुर्गा ने हमारे घर आने से मना कर दिया है तो फिर मैं? मैंने उसे नहीं रोका, आपकी बेटी ने आने से मना किया उसका कारण मैं ही हूँ क्या? चलो माँ। माँ प्लीज आप जाओ, आप जाओ माँ। सासू माँ एक मिनट, जब से दुर्गा से शादी हुई है तब से देख रहा हूँ, जब भी आपको वक्त मिलता है आप दुर्गा को ले जाकर अकेले में कुछ कहती हैं। आप दोनों एक दूसरे से क्या बोलती हैं ये मैं नहीं पूछूंगा। सासू माँ आप अच्छी हो, आपकी बातों में कुछ गलत नहीं है, लेकिन देखने वाले को इस खुसुर फुसुर से घृणा होती है, घृणा। मेरी बात को याद रखिएगा, आपके घर में भी बहू आने वाली है,
देखते हैं उसके साथ क्या होता है। सॉरी, कुछ ज्यादा बोल दिया, आपने ही उकसाया मुझे। माँ आप जाओ, मैं कल आती हूँ मिलने।